दोस्तों, जो PS5 की जो ऑफिशियल डेट है वो है। हे गाइस, व्हाट्स अप, मेरा नाम है दरिया और आप देख रहे हो मेरे व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो PS5 की जो ऑफिशियल डेट है वो लॉन्च हो गई है। मतलब डेट ऑफिशियल नहीं, मतलब कह सकते हैं मतलब इस साल में लॉन्च होने वाला है PS5। तो मैं बता दूं, वैसे मैं बता दूं, मुझे लगता है कि PS5 जो है नवंबर में लॉन्च हो सकता है और उसके साथ साथ में होएगा शायद से, मुझे लगता है साथ में PS5 और स्पाइडरमैन आएगा, साथ में ही आएगा। और PS5 में भी मुझे लगता है PS5 में भी लगता है मुझे स्पाइडरमैन जो है वो उसी टाइम पे नहीं, थोड़ा टाइम एक दो महीना लग जाएगा या उसी दिन पे आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सोनी ने ऑफिशियल लॉन्च बता दिया। और जो ये है कह सकते हैं आप, भूल गया, और हाँ, जो सोनी ने जो उसका जो पूरा जो कवरिंग था उसका मेन जो पूरा कंसोल और रिमोट जो पूरा दिखा दिया उसका डिजाइन, वो आप थंबनेल पे जाके देख सकते हो। और अभी मैं आपको छोटा सा क्लिप दे दूंगा उसके बारे में, सो आप देख लेना। और पर अभी मैं दूंगा, पर उसके पहले शायद से GTA 5 2021 में आएगी, मुझे लगता है PS5 में और GTA 5 2021 में आएगी, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। और रेजिडेंट एवल 8 भी आने वाली है PS5 पे, वो भी शायद 2020 में आ जाए या 2021 में। एक साल थम ही जाओ, वैसे भी लॉकडाउन में क्या लोगे, करके लोगे भाई, 50,000 के नीचे आए तो अभी तो फिलहाल नहीं आएगा 50,000 के नीचे, क्योंकि वैसे भी अभी तो स्टार्टिंग में तो महंगा ही आता है, प्लस ऊपर से अभी कोरोना है तो ज्यादा ही लगेगा, और सैनिटाइजिंग करने में भी वो सब खराब ही हुई तो खत्म हो जाएगा आपका PS5 भी। तो मैं रिफर करता हूँ मत ही लो, मैं तो नेक्स्ट साल रुकूंगा, देखूंगा, अगर कम हो जाए तो ले लूंगा, पर वैसे मुझे जरूरत नहीं है लेने की, वैसे भी मैं नहीं हूँ गई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी PS4 है और मेरे से उसका काम चल रहा है, और GTA 5 भी उसमें ही हो रही है, गई उसमें ही मैं मजा ले रहा हूँ, उसमें GTA 5 खेलने में मजा आ रही है, सब में आती है, पर हाँ उसमें भी सारी आधी गेम्स आ जाएगी। पर ये मुझे ना अभी पता चला, मतलब थोड़े टाइम पे मैंने गूगल पे चेक किया और मैंने यूट्यूबर्स ने भी बहुत सारे लोगों ने बोला, मुझे लगा भाई झूठ बोल रहे होगे, ऐसे ही कुछ फेंकते होंगे, फिर मैंने असली गूगल में से जाके देखा तो फिर सोनी वालों ने कुछ तो रखा था इवेंट, उसमें उन लोगों ने पूरे डिजाइन और जो भी कुछ है सब दिखाया, और उसमें साथ ही साथ सोनी वालों ने PS5 का कलर जो है चेंज कर दिया, वो है व्हाइट कलर में, व्हाइट और शायद ब्लू का थीम है, आप थंबनेल पे जाके देख सकते हो, मैं छोटा सा आपको क्लिक दूंगा अभी थोड़े टाइम के बाद, नहीं थोड़ा अभी सेकंड्स के बाद ही। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका जो हेडफोन भी आता है वो शायद साथ में आए या ना आए, क्योंकि वो भी व्हाइट कलर का है, और ना उसकी डिजाइन है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली कंट्रोलर की उसकी बहुत ही अच्छी डिजाइन है, और हाँ कंसोल की भी मानना पड़ेगा बहुत ही अच्छा है, और ना टाइनी टाइनी बॉल्स का भी वो दिखाता है, कुछ तो दिखा रहे थे, मैंने गूगल पे जाके देख लिया। तो भाई मैं आपको भी छोटा सा क्लिप दे दूंगा इस PS4 की डिजाइन के बारे में। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टिकटॉक का, जल्दी से जाके फॉलो कर लो, और हाँ और क्या, अब देखो क्लिप, चलो बाय बाय, देखो।
जैसा कि आपने छोटा सा क्लिप देख लिया होगा, और मैं मिलता रहूँ एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज, बाय बाय, सी यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिकटॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 16 फॉलोअर्स हो गए, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। हाँ, क्लिप दे दिया और डिजाइन के बारे में कमेंट करके जरूर से बताना, इसी वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, 1 सब्सक्राइबर होने बाकी है 20 के लिए, जल्दी से जाके कर लो। मैं मिलता रहूँ एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज, बाय बाय, सी यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ तो बताना रह नहीं गया है, तो उसके लिए खत्म ही कर दे। चलो बाय।